हवाई जहाज में अगर आप सफर करते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं तो अब आपको उड़ने पर, जहाज में सफर करने पर बैन किया जा सकता है, पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से बने रूल्स बनाए हैं और नो फ्लाई लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीसरी कैटेगरी में बुरा व्यवहार करने वाले पैसेंजर को 2 साल या उससे भी अधिक समय तक बैन किया जा सकता है। माना जा रहा है कि शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया के मैनेजर से मारपीट का जो मामला आया और उसी के बाद ये कवायद हुई है और उन्हीं के कारण इन नियमों को लागू किया जा रहा है। एक तरह से चूंकि मामला बहुत सुर्खियों में रहा था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक 2015 में 10,854 ऐसे मामलों की रिपोर्ट की गई थी जिनमें पैसेंजर्स ने एयरलाइंस में बुरा सलूक किया था। ये आंकड़े बताते हैं कि हर 1,205 फ्लाइट्स में से एक में पैसेंजर के खराब बर्ताव का मामला सामने आता है। दो महीना बाय जून एंड द फाइनल बिफोर जून एंड बिफोर 30th ऑफ जून वी वुड बी इन अ पोजीशन टू प्लेस द फाइनलाइज्ड द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स अमेंडमेंट टू 2014 रेगुलेशंस। वहीं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पैसेंजर की सेफ्टी हमारी पहली प्राथमिकता है। होती है उसके बाद एयरलाइन उसको इमीडिएटली बैन कर सकती है और फिर 10 दिन का समय है जिसमें कि इसको तय किया जाएगा कि ये बैन रखा जा सकता है या ना रखा जा सकता है। लेकिन उस 10 दिन के दौरान उस एयरलाइन पे आप फ्लाई नहीं कर सकते।